तो भाई आज के गेम प्ले में जो होने वाला है ना, वो तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तुम लोगों को याद तो हो गई अमांडा, जो कि माइकल को छोड़ के चली गई थी, एंड उसका एक लड़का भी था, एक लड़की भी थी, वो सब लोग उसको छोड़ के चले गए थे। तो कई सालों से बेचारा उसके याद में समथिंग नशे वशे कर रहा है बेचारा माइकल। बट आज फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि उन लोगों को वापसी लेके आना है। तो जिसके साथ वो भगी थी, जो कि योगा टीचर था, तो उसको पहले जाके पेलेंगे और उसके बाद उसको बचाकर वापसी लाएंगे, ठीक है। एंड भाई तुम लोगों को भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, कभी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, वरना माइकल जैसा हाल हो जाएगा। गुंडे पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे अलग, और उसके बाद भी तुम लोग शराब नशे ये वो, तो इन चक्करों से दूर रहो। ये माइकल का बेटा है, ये बताता है कि मम्मी यहाँ पे है और बहन वहाँ पे है। तो आज ये पहली बार अपनी पापा मतलब माइकल की हेल्प करेगा, और देखते कि आगे क्या होता है। तो माइकल को कभी इस पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमेशा ना उल्टे काम ही करता था। तो आज माइकल पहली बार इसके काम मतलब कहने पे चल देता है कि हाँ चलो ठीक है, तू आज आया है तो सही कह रहा होगा। तो फटाफट से ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड सीधा उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर अमांडा उसको डेट कर रही है, मतलब कि वही योगा टीचर। ओके, वो योगा टीचर की लोकेशन पर जाते हैं एंड उसको देखते हैं। फिर What's been happening with you? उसको डेट कर रही है, पर ये उसका लड़का आएगा, पर ये गलती से आके माइकल को सारी खबर दे देता है, और माइकल बेचारा सालों से वैसे ही दुखी बैठा है। उसको अमांडा को वापस लेके आना है, तो हम सीधा अमांडा के पास चलते हैं पहले, और यही वो कैफे आएगा यहाँ पर बैठ के उन लोगों की डेटिंग शेटिंग चल रही है। तो अभी सीधे चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कहाँ पे बैठे हैं ये लोग। माइकल का लड़का उससे बोल रहा है कि जाके सीधा हाय करो। चलो देखते हैं कि माइकल क्या भाई करते हैं अपना। वैसे यहाँ तक मैं माइकल को जानता हूँ कि माइकल चुप तो नहीं बैठेगा, ठीक है। ये देखो, ये रही अमांडा, ये है इसकी वाइफ माइकल की, और ये वही बंदा है जो इसको लेके भाग गया था, समझ रहे हो। ये वही योगा टीचर है जिसने मेरी पहले वाले वीडियोस नहीं देखी, उसमें जाकर तुम लोग देख सकते हो जो हुआ था। और ये माइकल के सामने बोलता है कि अमांडा चलो यहाँ से निकलते हैं, और भाई माइकल के अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ है, ऐसे थोड़ी शांत हो जाएगा। तो माइकल को पता नहीं कुछ बोल देता है, और इसको इतनी तेज गुस्सा आ जाता है कि पटाक लो काम खत्म, इसका तो काम खत्म कर दिया माइकल ने। ये क्या बात है, उसकी एक्स भी क्या बात है उसकी, मतलब अमांडा भी बोल रही थी बहुत सही करा। नहीं देखो भाई, कितना भी पुराना प्यार था बंदे का, बट प्यार तो था ना, कहते ना पहला पहला प्यार है, तो वो कहीं जाता नहीं है, बेशक किसी को भी डेट कर ले, बट आता वो अपने पहले वाले के पास ही है। तो अमांडा को लेके अभी यहाँ से निकलेगा और अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करेगा माइकल। अमांडा भी चलो इसे सॉरी बोल देती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। माइकल बोलता है कोई बात नहीं, पर अमांडा भी एकदम सही करती है, वो अपने बंदे को उठाती है मतलब जिसको वो डेट कर रही थी, उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगी एंड उसको ठीक कराने के बाद उसे ब्रेकअप करके एंड माइकल के साथ दोबारा रीजॉइन करेगी, क्योंकि भाई फर्स्ट लव होता है, कोई नहीं छोड़ता। तो चलो अब यहाँ से निकलते सीधा, इसकी जो बहन होती है मतलब माइकल की बेटी, अब उसको लेना है एंड सबको इकट्ठा करना है अब घर पर, एंड जो वो विला है जो खाली पड़ा रहता है हमेशा, उसको दोबारा से भरना है। तो गाड़ी में बैठते हैं अब सीधा एंड यहाँ से निकलते हैं सीधा ट्रेसी के पास। अमांडा को तो ले लिया हमने, वो बस अभी हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए गई हुई है, तो इतने में वो हमको वहीं मिलेगी पिछले वाले गैराज पे। हम यहाँ से चलते सीधा ट्रेसी के पास एंड ट्रेसी को देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है उसका। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेसी की लोकेशन मिली थी टैटू शॉप पे, तो देखते हैं बेचारी कहाँ पे है। आज लगता है पहली बार माइकल को देख के शायद डर ना जाए, क्योंकि भाई इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद देखेगी अपने पापा मतलब बाप को या माइकल को। तो देखते क्या रिएक्शन रहता है इसका। टैटू शॉप में सीधा अंदर जाते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये भी किसी को डेट कर रही है, तो इसको देख रहे हैं हम लोग, ये भी पहले से किसी को डेट कर रही है। माइकल बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहा है, तो चलो इसको पहले देखते हैं जिसको डेट कर रही है, इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं। ये माइकल को देख के डर जाता है, क्योंकि पहले भी मुलाकात हुई थी जिसके चक्कर में ट्रेसी भग गई थी, तो आज ही अपने हाथ में आया है, तो इसको आज बताएंगे ढंग से। उसका दोस्त आया, वो तो डर के पहले ही चला गया, और यहाँ पे स्टेपलर उठाता है, तो मुझे लग रहा है माइकल इसको पूरा अंदर से फेल देगा। आज इसके अंदर इतने ज्यादा छेद करने वाले हैं ना, इतने ज्यादा छेद करने वाले हैं कि ये भी भूल जाएगा। इसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, कपड़े तो फाड़ ही दिए, इसके बाल और काटते हैं, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं, इसके बाल और काट देते हैं, जिसमें इसके लुक्स है ना ये सारे बर्बाद कर देते हैं। बट पहले इसके अंदर, चलो यार पहले एक काम करते हैं, इस पे ना थोड़ा सा टैटू वैटू बना देते हैं, क्योंकि ताकि अगर ये अपनी शर्ट किसी के सामने भी निकाले ना, तो वो शक्ल ना दिखा पाए उसको, इसके साथ वो हाल कर रहा है, क्योंकि भाई इसने माइकल की बेटी को फंसाया, बताओ। तो माइकल ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, देखो माइकल टैटू में क्या बनाता है, तुम लोग भी देख के डर जाओगे। तो भाई यहाँ पर अपनी पूरी ड्राइंग कंप्लीट होती है, और
कुछ ऐसी दिख रही होती है होने के बाद। अब तो बेटा लड़कियां बटा, तेरे साथ जब भी तू शर्ट निकालेगा तो तेरे को ये दिखाना होगा। हाँ मैंने जैसा कि बताया था ना, तो मैं इसके बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, इसके बाल भी अब काट देते हैं। बहुत हो गया, बहुत स्मार्ट बनता है ना ये, इसमें इतने छेद कर दिया, इसके टैटू भी हमने बना दिया, तो बहुत सही करा हमने। माइकल बोला अगली बार दिखाई दिया तो सीधा मार डालूंगा, अगली बार से तू मेरे को चमक मत जाइयो। तो अब ये सीधा सॉरी बोल रहा है और यहाँ से निकलेगा। तो अब ये ट्रेसी को लेके यहाँ से निकलता है, क्योंकि ट्रेसी को भी पता लग जाता है कि ये फ्रॉड है या चीटर है। ओके तो ट्रेसी तो अपने मजे में निकल लेती है माइकल के साथ। तो देखो ये तीनों को ले, इसने दोनों को ले लिया, ट्रेसी को भी ले लिया और हमने बेटे को भी ले लिया। और अभी तो ये दो वाली गाड़ी आएगी और हमें बिठाने तीन बंदे हैं, तो जल्दी से जाकर एक गाड़ी ढूंढते हैं। तो ठीक है ये वाली गाड़ी सही है, इसके अंदर पूरे हम लोग तीन बंदे बैठ जाएंगे। और उधर से अमांडा को भी पिक कर रहा है और इन सबको लेके जाना है माइकल के विला पे। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं, अब चलते हैं सीधा अमांडा के पास। अब इन लोगों की बहुत ज्यादा बातें होने वाली है एंड माइकल जो खुश होने वाला है ना, वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो सीधा चलते हैं अमांडा के पास और वहीं पर मिलते हैं। तो ये आ गए हम लोग अमांडा के हाउस पे, यहाँ पर अभी वो रुकी हुई है, उसको तो हॉस्पिटल छोड़ दिया था। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा हमको पिक करने के लिए नीचे भी आ गई है, बात से। अमांडा, गुड टू सी यू अगेन माइकल, आई एम सो ग्लैड। तो हम लोग आए हैं इनके दोस्त के घर पे, जिनके सामने पहली बार इन लोगों की लव, मतलब जो भी था इनका, स्टार्ट हुआ था। चक्कर वक्कर चला था ऐसा समझ लो तुम लोग। तो अब यहीं पे बैठ के दोबारा से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंड माइकल बोलता पूरा ट्रस्ट का इसने ऐसी तैसी मार दी। माइकल बोलता कभी जिंदगी में भरोसा ना करूं, पर भैया ना कि प्यार करा था मैंने तो वापसी तो लाना ही था। तो अमांडा बोलते मैंने भी करा था इसलिए मैं वापसी आ गई हूँ। तो आपस में इन लोगों की फिर दोबारा से बहस स्टार्ट हो गई है। और ट्रेसी को देखो और उसके भाई को देखो, देखो बच्चों को देखो, वो डर रहे हैं कि भाई ये तो फिर दोबारा से लड़ने लगे। अब शांत हो गए। तो चलो अमांडा का दोस्त अब बोलता है तुम सब जाइए, मेरे को माइकल से कुछ जरूरी बात करनी है एंड अभी भेजता हूँ उसको। ये माइकल को समझाता है कि भाई आराम से ले जा एंड गुस्सा कम करियो और अपनी जिंदगी जियो, बाय बाय। तो ये देखो अमांडा को अभी दोबारा से इम्प्रेस करता है, सॉरी वरी बोलता है एंड अमांडा भी खुश हो जाती है कि कोई बात नहीं हम दोबारा से मूव ऑन करेंगे एंड साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर घर जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं एंड माइकल की पूरी फैमिली, जैसा कि तुम देख रहे हो, बच्चे, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एंड अगेन माइकल ने अपनी पूरी फैमिली इकट्ठी कर लिया एंड अब सीधा चलते हैं विला पर एंड वहीं पर मिलता है तुम लोगों को। और ये लोग भाई देख के जो खुश होने वाले हैं ना अपना घर, मतलब ये लोग भी बहुत टाइम बाद आ रहे क्योंकि दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। होम स्वीट होम। तो चलो मेरे भाई सब लोग आ चुके हैं अब घर पे, अब चलेंगे सीधा अंदर एंड माइकल और अमांडा को देंगे थोड़ा सा पर्सनल टाइम। जब तक तुम लोग जाकर सब्सक्राइब और लाइक दबा दो एंड अपन लोग चलते सीधा अंदर। गाइस देखो यार लाइक एंड सब्सक्राइब मार दिया करो यार, बोलने की तो जरूरत ही नहीं होती। ये देखो भाई पूरा विला एकदम मस्त सा लग रहा है।